आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। शिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह, गंगाजल भरकर काशीपुर पहुंच रहे कांवड़िए, शिवमय हुआ शहर। महाशिवरात्रि को लेकर कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ियों में पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं काशीपुर पहुंचने पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। साथ ही जगह जगह कांवड़ियों के खाने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के इन 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा, मैदानी जिलों में छाए रहेंगे बादल। उत्तराखंड मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने का अंदेशा जताया है। वहीं बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी से प्रदेश के हिल स्टेशनों में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। सियास तंदान ने कड़ी मार को खूब भुनाया, अब तक नहीं करा पाए निर्माण, सामरिक दृष्टि से है अहम, जानिए कहां फंसा पेच। अंकिता हत्याकांड के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, हाईवे पर लगाया जाम, सरकार का फूका पुतला। श्रीनगर में अंकिता भंडारी के परिजनों का समर्थन करने के लिए आज बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और सरकार का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। इसी बीच वीआईपी की गिरफ्तारी, तत्कालीन एसडीएम और यमकेश्वर विधायक पर कार्रवाई की मांग उठी। बीजेपी विधायक महेश जीना और नगर आयुक्त के बीच तीखी नोकझोंक, गाली गलौज का भी आरोप, जानिए मामला। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक महेश जीना फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार मामला देहरादून नगर निगम का है, जहां विधायक महेश जीना और नगर आयुक्त गौरव कुमार के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। आरोप तो ये भी है कि गाली गलौज भी हुई है। फिलहाल मामला नगर प्रशासक सोनिका सिंह के पास पहुँच गया है। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में भारी बर्फबारी, फंसे सैलानी, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग के चोपता में भारी बर्फबारी होने के कारण 15 से 20 पर्यटक फंस गए हैं। साथ ही उखीमठ चोपता बाग कोपेश्वर मंडल राजमार्ग पर विशाल पेड़ गिरने से यातायात भी बाधित हो गया है। हालांकि एसडीआरएफ और डीडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर सैलानियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया और राजमार्ग पर गिरे विशालकाय पेड़ को हटाया। दुनिया भर में निवास कर रहे प्रवासी उत्तराखंडियों से जुड़े सीएम धामी, गांवों को गोद लेने की अपील। विभिन्न देशों में निवास कर रहे प्रवासी उत्तराखंडी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर वो अपनी जन्मभूमि के किसी दुर्गम क्षेत्र के गांवों को गोद लेते हैं तो विकास के भागीदार बन सकते हैं। यह बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों से वर्चुअल संवाद के दौरान कही। वहीं सीएम धामी ने प्रवासी उत्तराखंड बोर्ड गठन करने की भी बात कही है। नंदा गौरा योजना की 1,00,000 बेटियों को सीएम धामी की सौगात, 358.3 करोड़ धनराशि की ट्रांसफर। रुद्रप्रयाग चोपड़ा मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य शुरू, विधायक चौधरी ने किया शुभारंभ। कमलेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू, 8 मार्च को दूल्हा बनेंगे आदि योगी, 4 पहर की होगी पूजा। श्रीनगर में महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों को सजाया जा रहा है। इसी बीच कमलेश्वर मंदिर में भी महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बता दें कि महाशिवरात्रि में यात्री के 4 पहर की पूजा फलदायी होती है। अल्मोड़ा में राज्य आंदोलनकारियों ने दिया धरना, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की दी चेतावनी। कोटद्वार पर तीसरी आंख रखेगी नजर, 50 सीसीटीवी कैमरों का हुआ अनावरण। कोटद्वार में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के सौजन्य से सीसीटीवी कैमरों का अनावरण किया गया है। कार्यक्रम में विधायक ऋतु खंडूरी भूषण मुख्य रूप से मौजूद रही। मसूरी भाजपा महिला मोर्चा ने निकाली नारी शक्ति वंदन रैली, लोगों को दी योजनाओं की जानकारी। मसूरी भाजपा महिला मोर्चा ने नारी शक्ति वंदन रैली निकाली। इस दौरान भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। नेशनल हाईवे 7 पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल। नेशनल हाईवे पर आज अचानक ईंटों से भरा ट्रक सड़क पर उलट गया, जिससे हादसे में चालक और हेल्पर घायल हो गए। पुलिस के अनुसार चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा।
जिसके कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। भगवान शिव की भक्ति में डूबा हरिद्वार, गंगाजल भरने पहुंच रही महिला कांवड़िया, गजब का दिखा उत्साह। जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही महिलाएं अब कांवड़ यात्रा में भी पीछे नहीं हैं। महिलाएं भी गंगाजल भरने हरिद्वार पहुंच रही हैं और कांवड़ लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही हैं। एसएसपी ने अर्धसैनिक बल के अधिकारियों के साथ की बैठक, लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया रोड मैप। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने अर्धसैनिक बल के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अवैध शराब और नकदी की रोकथाम पर रोडमैप तैयार किया। साइबर ठगों ने ढूंढा महिलाओं को ठगने का आसान तरीका, पेन पेंसिल पैकिंग स्कीम से किया जा रहा कंगाल। साइबर ठग सोशल मीडिया के जरिए भोली भाली ग्रामीण महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। साइबर ठग फेसबुक पर रोजगार देने की फर्जी विज्ञापन डालकर ग्रामीण महिलाओं से ठगी कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। सावधान, देहरादून में स्वाइन फ्लू का कहर, अब तक 9 बच्चे बीमार, कोरोना पॉजिटिव बच्ची का भी चल रहा इलाज। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव 9 साल की बच्ची और स्वाइन फ्लू से पीड़ित बच्चे का इलाज चल रहा है। कोरोना पॉजिटिव बच्ची अभी स्वस्थ बताई जा रही है। वहीं अभी तक 9 बच्चे स्वाइन फ्लू से पीड़ित पाए जा चुके हैं।